पुरस्कार जाएगा तो चयन कौन करेगा? एक आईएएस अधिकारी करेगा, एक ऑफिसर करेगा जो उस डिपार्टमेंट में नियुक्त है। तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को। अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ तो अशोक गहलोत को। अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ तो अशोक गहलोत को। अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ ये पुरस्कार तो ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग ही ले जाने। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बदेल द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूर्व विधायक श्री गोपाल बायती ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़ती लोकप्रियता और प्रदेश के विकास के कारण भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पदाधिकारी बौखला गए हैं। प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है, ऐसे में वह इससे नाखुश है। उन्होंने कभी भी किसी भी विधायक को लेकर भेदभाव नहीं किया और प्रदेश में लगातार निरंतर विकास किया, जिसके चलते उनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई नेताओं ने भी खुलकर की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं बच रहा, जिसके चलते इस तरह अनर्गल टिप्पणियां मुख्यमंत्री को लेकर की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने इस तरह की टिप्पणी को लेकर निंदा की है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता, उनके कार्य, जनता को स्वीकार्य, इन सब को देख के पूरी पार्टी बौखला गई है। एक अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता बदेल नहीं, प्राय जितने भी इनके नेता हैं सब अशोक गहलोत की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने 4.5 साल राज करते हो गया, हर MLA को बराबर का सहयोग दिया उन्होंने, और हर MLA का काम मांगते मांगते थक जाओ और मैं देते देते नहीं थकूँगा। इसका परिणाम ये है कि राजस्थान का चौमुखी विकास हुआ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास हुआ, चाहे वह MLA कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। ऐसे विधायक, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जो भाषा उपयोग की गई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अशोक गहलोत जी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, जबकि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं अजमेर के, अनिता जी और देवनानी जी, उन्होंने हमेशा अपने फंड का उपयोग अपने हिसाब से किया, जरूरत के हिसाब से नहीं किया। उसके बाद भी ये जो भाषा बोल रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। जिस अशोक गहलोत की तारीफ इनके प्रधानमंत्री एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार करते हैं, जिस अशोक गहलोत के लिए इनकी मीटिंगों में चर्चाएं होती है कि अशोक जी से मुकाबला, इनके गृहमंत्री ने एक बार तो कहा अपने इनको पदाधिकारी को कहा मुश्किल उसका मुकाबला करोगे, ऐसे व्यक्ति के लिए भाषा बोलना ये जनता का अपमान है। और मैं चाहता हूँ कि अनिता जी इसके लिए जनता से माफी मांगे, क्योंकि राजस्थान की जनता अपने मुख्यमंत्री को बहुत प्यार करती है और वो उनके लिए जननायक है। और अभी जो राज शिविर कैंप लगे हैं, महंगे राज शिविर कैंप, उसके बाद तो जनता में एक तरफा माहौल बन गया, ये सब उसके बौखलाहट का परिणाम।